नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसके पहले मैं दो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, आप पहले उनको देख लीजिएगा, देन इस वाले लेक्चर को देखिएगा तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, पीछे जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दो क्लासों में पढ़कर आए हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, यही छह जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कुछ स्पेसिफिक डिग्री पर इनकी वैल्यूज होती है, वही इस टेबल में दिखाया गया है। बच्चे क्या करते हैं कि इस टेबल को रटने बैठ जाते हैं। अब रटने में क्या समस्या होती है, पता नहीं चलता कभी 1/2 होगा कि कभी 1/√2 होगा कि कभी √3/2 होगा कि कभी 2/√3 होगा, कहां पर जीरो होगा कहां पर नॉट डिफाइंड होगा, ये सब रटने में हमारा जितना समय बर्बाद होता है। एक बार आज आप इस क्लास को देख लीजिएगा और जैसे जैसे मैं कराऊं इसको एक बार अपनी तरीके से बना करके देख लीजिएगा, आपको इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको रटना पड़ेगा, सारी की सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएगी। अब आज हम लोग इस टेबल को बनाना सीखेंगे, एक बार आपने इस टेबल को बनाना सीख लिया फिर आपको इसको बेवजह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपको ये सारी की सारी वैल्यूज दिमाग में बैठ जाएंगी, याद हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 45 डिग्री वाले कॉलम से, कुछ बातें और सीखनी होंगी वो मैं बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। 45 डिग्री का आपको डायग्राम कैसे बनता है पहले वो समझ। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहली क्लास में बताया था राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है, तो जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब यहां पर देखिए सब जगह मैंने एंगल ए यूज करा है, आप थीटा भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार बात समझ में आ गई कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम एंगल ए को कंसीडर करें तो एंगल ए हमारा यहां पर कितना होना चाहिए 45 डिग्री का। अब एंगल ए जब 45 डिग्री का है तो आपको तुरंत यहां पर क्लिक करनी चाहिए कि सर एक ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब जब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री का एंगल बी है 45 डिग्री का एंगल ए है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 90 प्लस 45 135 और 135 को 180 में से माइनस कर देंगे तो 45 डिग्री, इसका मतलब यहाँ एंगल सी भी खुद ब खुद 45 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन इसको मैंने इसलिए बना दिया कि यहां से एक रिजल्ट आपको समझाए, आप याद किसको रखेंगे पूरे क्वेश्चन में हम इसको लेकर चलेंगे एंगल ए को, ए जो कि यहां पर 45 डिग्री। अब जब आपने यहां पर देखा कि 45 डिग्री ये है 45 डिग्री ये है, तो ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी और होती है जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखी है कि कभी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल वैल्यू के हो गए तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है, या इसी के वाइस वर्सा जस्ट इसका कन्वर्स होता है कि अगर कभी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी आपस में इक्वल रहते हैं। दिस मींस कि अगर यहां पर हमारा 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये वाली साइड और इस 45 के अपोजिट ये वाली साइड, इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी, यानी कि जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही लेंथ बी सी की होगी। तो यहां पर हम इसको मान लें एक यूनिट को दिखा रहा है तो एक ही यूनिट को ए बी दिखाएगा, मींस अगर ए बी एक यूनिट को रेशियो में दिखाता है तो BC भी एक यूनिट को ही शो करेगा। अब AC कैसे निकाला जाए, क्योंकि रेशियोज लिखने जाएंगे तो हमें तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी, तो AC निकालने के लिए आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लीजिए। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब आप इसको लिखते हैं तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एक का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो आपको फाइनल वैल्यू आ गई AC इज इक्वल टू अंडर रूट एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक प्लस एक, तो इसको वापस मैं लिख देता हूं 1 + 1 इज इक्वल टू रूट टू। AC की फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है रूट टू।
बस तीनों साइड्स हमको मिल गए। हाँ एक बात याद रखनी है कि ये कैसी साइड्स निकल कर आएंगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी साइड होंगी अगर आप उनको सिंप्लीफाई कर कर लाएंगे तो वो 1:1 और इसको √2 को ही शो करेगा। ठीक, अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेने हैं 45 डिग्री के लिए। तो साइन 45 डिग्री, आप कहेंगे कि सर साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, एंगल ए को, इसके सामने ये वाली साइड वाई परपेंडिकुलर, पी लिख दिया मैंने। इसके बगल वाली साइड यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए या फिर बेस, और बची हुई साइड या 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा ही हाइपोटेन्यूज फिक्स है। और हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप कहेंगे सर 1/√2। देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यहां पर आप देखेंगे तो साइन ए यानी कि 1/√2। फिर आगे हम लोग और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते चले जाते हैं। कॉस 45 डिग्री, आप कहेंगे सर कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं तो बेस हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज √2, 1/√2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू देखिए आप, कॉस ए 45 डिग्री पर 1/√2, देखिए कितनी आसानी से बनती चली जा रही है टेबल। आगे हम लोग देखेंगे टेन 45 डिग्री की वैल्यू, टेन 45 डिग्री आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बीसी वाली साइड और बेस ए बी वाली साइड, तो 1/1 विच इज 1। टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1, टेन ए 45 डिग्री पर 1 को शो करता है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री आप कहेंगे सर 1/sin 45 डिग्री या फिर इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ए को कंसीडर करते हो, हाइपोटेन्यूज √2 परपेंडिकुलर 1, √2/1 विच इज √2, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 आती है, कॉसेक 45 या कॉसेक ए 45 डिग्री पर √2 को शो करता है। अगला हम लोग देखेंगे सेक 45 डिग्री, आप कहेंगे सर sec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री और या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंगल ए को कंसीडर करते हुए हाइपोटेन्यूज √2 और बेस 1, तो इसकी भी वैल्यू √2/1 विच इज √2, sec 45 डिग्री √2, sec a 45 डिग्री पर √2। लास्ट हमारे पास आ जाता है cot 45 डिग्री, आप कहेंगे सर 1/tan 45 डिग्री और या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल ए को कंसीडर करते हुए बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो 1/1 विच इज 1, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 आती है, cot a 45 डिग्री पर 1। ऐसे एक बार आपने अगर कर लिया तो आपको कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टेबल की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर डिराइव कर ली। अब हम लोग अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब आपको एक बात समझनी है कि यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री एक साथ बताए जा रहे हैं, पीछे 45 डिग्री अकेले बताया गया था। तो उसका रीजन ये है कि अभी आप देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ही 30 और 60 एक ही फिगर बनता है, उसके लिए हमको दो फिगर अलग अलग बनाने नहीं पड़े। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। जैसे हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये एंगल कितना है बी वाला 90 डिग्री। अब अगर मैं इसमें एंगल ए को 30 डिग्री बना लेता हूं, 30 डिग्री का एंगल ए बनाते ही आप कहेंगे कि सर एंगल सी 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमको यही कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री तो आ ही चुका है, इसका मतलब एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो उसको अभी हम लोग रोक कर रखते हैं,
60 डिग्री मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन अभी आप कैसे समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंगल ए को ध्यान देंगे। पहले हम 30 डिग्री की बात करेंगे, फिर सेम फिगर में ही हम लोग 60 डिग्री को भी समझेंगे। 30 डिग्री के जो सामने की साइड होती है ये 1 हो जाती है, 30 डिग्री के बगल वाली साइड जो होती है ये रूट 3 हो जाती है, और जब आप इसको फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AC की वैल्यू देखिए हमारी कितनी निकल कर आती है। इस बार मैं डायरेक्ट कर देता हूं, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 हो जाएगा, वो 3 इंटू 3 से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर 3 होगा। या फिर डायरेक्टली भी आप लोग स्कूल में देखते होंगे कि रूट 3 का स्क्वायर 3 लिख दिया था, रीजन ये होता है जो मैंने भी बताया, 3 प्लस 1 इसका नाम रूट 4। रूट 4 को आप जानते हैं 2 इंटू 2 लिखा जा सकता था अंदर, इसलिए 1 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आई है AC को कितनी निकल कर आई है 2। अब आप एंगल 30 डिग्री का कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इसके सामने वाली साइड BC हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट साइड या बगल वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। ये सब चीजें मैंने पिछली क्लास में बता रखी हैं आपको, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे आसानी से। अब हम लोग 30 डिग्री के बेसिस पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना शुरू करते हैं। साइन 30 डिग्री, आप कहेंगे सर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, 1 अपॉन 2, साइन 30 डिग्री साइन ए 30 डिग्री पर 1 अपॉन 2, ठीक है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री यानी कि कॉस एंगल ए की बात हो रही है यहां पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा रूट 3, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2, तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी रूट 3 अपॉन 2, कॉस 30 डिग्री रूट 3 अपॉन 2, दिख रहा है सभी से, टेन 30 डिग्री लिख लेते हैं। आप कहेंगे सर टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस बगल वाली साइड बची हुई एडजेसेंट, तो 1 अपॉन रूट 3, टेन 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3, टेन ए 30 डिग्री पर 1 अपॉन रूट 3, कोसेक 30 डिग्री, आप कहेंगे सर कोसेक 30 डिग्री यानी कि 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, और या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज एंगल ए की वजह से 2 और परपेंडिकुलर सामने 2 अपॉन 1 विच इज 2, कोसेक 30 डिग्री 2 के बराबर होता है, कोसेक ए 30 डिग्री पर 2 के बराबर होता है। अगला हमारे पास सेक 30 डिग्री, आप कहेंगे सर 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो कॉस 30 डिग्री एंगल ए की वजह से हाइपोटेन्यूज 2, बेस हमारे पास रूट 3, तो 2 अपॉन रूट 3, सेक 30 डिग्री 2 अपॉन रूट 3, सेक ए 30 डिग्री पर 2 अपॉन रूट 3, देखिए कितनी आसानी से बनता चला रहा है, कॉट 30 डिग्री। अब आप कहेंगे कॉट 30 डिग्री तो सर 1 अपॉन टेन 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, और या फिर हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, तो एंगल ए की वजह से बेस हमारे पास रूट 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास 1, तो रूट 3 अपॉन 1 विच इज रूट 3, तो कॉट 30 डिग्री रूट 3 के बराबर आता है, कॉट ए 30 डिग्री पर रूट 3 के बराबर हो जाता है। अब हम लोग 60 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। 60 डिग्री पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं, मैंने सारी बातें सेम रखी हैं, क्या क्या चीजें नहीं मिटाई हैं, वैल्यूज मैंने किसी की भी नहीं मिटाई हैं, इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल में वैल्यूज इसी रेशियो में रहेंगे। आपको याद कैसे रखना है कि 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है और 60 डिग्री के सामने रूट 3 होता है, 90 के सामने तो आप समझ ही गए होंगे कि जब 60 और 30 वाली बात आएगी तो 2 हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। हो सकता है बात थोड़ी सी दिमाग पर जोर डाले, लेकिन ध्यानपूर्वक इसको समझिए, एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी है, इसका मतलब 30 डिग्री के सामने 1 और 60 डिग्री के सामने रूट 3, जिसकी वैल्यू अगर आप पॉइंट में निकालेंगे तो 1.732 समथिंग आती है, क्योंकि हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब 1 बड़ा है कि 1.732, तो आप कहेंगे सर 1.732,
तो 1.732 किसको बता रहा है, रूट थ्री को, रूट थ्री किसके सामने होगा, 60 डिग्री के सामने वाली साइड। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी होती है कि ट्राइंगल में जितना बड़ा एंगल उसके अपोजिट वाली साइड उतनी बड़ी, जितना छोटा एंगल उसके अपोजिट वाली साइड उतनी छोटी। तो 30 डिग्री के सामने 1 और 60 डिग्री के सामने रूट 3 और 90 के सामने 2 फिक्स्ड है। अब हम सारी चीजें 60 डिग्री को मानते हुए करेंगे। 60 डिग्री के सामने ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। 60 डिग्री के बगल वाली साइड साइड एडजेसेंट टू पर्टिकुलर एंगल, या फिर मतलब इसको हम कह सकते हैं बेस। ध्यान दीजिएगा दोनों चीजें बदल गई हैं, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हमारी फिक्स्ड है। अब हम लोग 60 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना शुरू करते हैं। साइन 60 डिग्री, आप कहेंगे कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर रूट थ्री, हाइपोटेनस टू रूट थ्री अपॉन टू, साइन 60 डिग्री रूट थ्री अपॉन टू, साइन ए 60 डिग्री पर रूट थ्री अपॉन टू, कॉस 60 डिग्री, आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 60 डिग्री को देखते हुए 1, हाइपोटेनस 2, तो 1 अपॉन 2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 2, कॉस ए 60 डिग्री पर 1 अपॉन 2, टेन 60 डिग्री, आप कहेंगे सर टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर रूट 3, बेस 1, तो रूट 3 अपॉन 1, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि रूट 3, टेन 60 डिग्री रूट 3, टेन ए 60 डिग्री पर रूट 3, कॉस ए 60 डिग्री, आप कहेंगे कि सर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर 1 अपॉन साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वजह से हाइपोटेन्यूस 2 और परपेंडिकुलर रूट 3, तो 2 अपॉन रूट 3, कॉस ए 60 डिग्री 2 अपॉन रूट 3, कॉस ए 60 डिग्री पर 2 अपॉन रूट 3। देखिए कितनी सरलता से बनती जा रही है वैल्यू, आप भी ऐसे ही निकालिएगा आसानी से काम बन जाएगा। सेक 60 डिग्री, आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, 60 डिग्री की वजह से हाइपोटेन्यूस 2 बेस 1, तो 2 अपॉन 1 व्हिच इज 2, सेक 60 डिग्री 2 के बराबर होता है, सेक ए 60 डिग्री पर 2 के बराबर है। कॉट 60 डिग्री, आप कहेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 60 डिग्री की वजह से बेस 1 परपेंडिकुलर रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3, कॉट 60 डिग्री, कॉट ए 60 डिग्री पर 1 अपॉन रूट 3। अब देखिए 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको निकाल करके दिखा दिए कि ये कैसी टेबल बनती है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की। अब आपको पहले मैं 0 डिग्री समझाता हूं, फिर मैं आपको 90 डिग्री का बताऊंगा कि ये कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलते हैं। पहले आपको ये समझना है कि 0 डिग्री का एंगल आखिर होता कैसा है। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अब ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी तो 90 डिग्री है जो कि आपको दिख भी रहा है, हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं चूंकि, तो एंगल ए कितना रखना है, 0 डिग्री रखना है। पहले सेगमेंट में मैं आपको 0 डिग्री समझा रहा हूं, आगे हम लोग 90 डिग्री की बात करेंगे। तो 0 डिग्री अगर इसको रखना है तो इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगती है। तो 0 डिग्री अगर ये हो जाएगा तो पूरे एंगल का, इस ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री भी बनना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री का भी बराबर आना चाहिए। 90 डिग्री तो एंगल बी है, अगर एंगल ए 0 रखना है तो बनेगा कैसे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप यहाँ पर एंगल मेजर करेंगे प्रोटेक्टर रखकर, यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्टर रखते हैं, यूं आप प्रोटेक्टर इस पर रखेंगे तो उसमें एक एंगल इधर से गिने गए होंगे, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री करते करते 90 डिग्री, जब इसके बाद यहाँ तक जाएगा 180 डिग्री, दूसरे एंगल इधर से गिने गए होंगे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री करते करते 90, फिर उसके बाद 180 डिग्री इधर। तो हम किधर से गिन रहे हैं, हम तो इधर से गिन रहे हैं, तो हमको यहाँ से 0 गिनना होगा। तो 0 आप देखेंगे कि जस्ट ठीक इसी लाइन पर आ रहा है, इसका मतलब अगर ये एंगल अभी कुछ भी है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 60 डिग्री है, तो इसको हमको घटाना पड़ेगा, कितना कितना घटा करना है, मान लीजिए 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30, 20, 10, फिर इसके 0 जो आएगा वो एकदम यहीं पर आएगा। इसका मतलब वो फिगर बनेगा कैसा, तो वो फिगर कुछ ऐसा सा बनेगा जिसमें ए तो ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और सी भी यहीं पर इसी पॉइंट पर होगा,
आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप समझ जाएंगे कि ये एंगल जीरो डिग्री होगा। अब एंगल ए हम कह सकते हैं कि जीरो डिग्री का बन चुका है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बुक में कई फिगर के थ्रू ये बात समझाई गई है कि एंगल कम करते 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 ला रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली इस बात पर ले जा रहा हूं और आपको ये बात समझनी है। तो एंगल ए यहाँ पर हमारा हो गया जीरो डिग्री का। अब आप कहेंगे सर इसमें तीसरी वाली बात कहाँ है? इसमें यही ए सी और ए बी दोनों देखिए बराबर है। इसका मैं यहाँ पर नतीजा क्या निकला कि ए सी बराबर हो गया है ए बी के। फिर सर बी सी कहाँ गया है? बी सी कुछ भी नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब बी सी की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास? बी सी की लेंथ हो गई जीरो, ऑलमोस्ट गायब हो चुका है इसमें। तो ए सी और ए बी बराबर है, मीन हम उसको वन मान लेते हैं। यूनिट में याद रखिएगा कि ये रेशियो को दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जब एंगल जीरो डिग्री हो गया तो चाहे जितनी भी लेंथ हो, जो लेंथ ए बी की होगी वही लेंथ ए सी की होगी, बी सी की उस सिचुएशन में कोई भी लेंथ नहीं हो। समझ में आ गई बात? अब हम लोग जीरो डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख सकते हैं। तो साइन जीरो डिग्री, आप कहेंगे सर जीरो डिग्री और यहां पर हमको बेस परपेंडिकुलर वाली बात समझनी है, तो मैं यहाँ पर बना रहता हूँ जब एंगल ए को मानेंगे जीरो डिग्री का है। फिगर यही समझना है, मैं बता यहाँ दे रहा हूँ। हालांकि ये फिगर गलत है जीरो डिग्री के हिसाब से, लेकिन मैं चीजों को समझा यहाँ दे रहा हूँ। जीरो डिग्री इसमें रहा होगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड बेस, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस और बेस तो हमारे पास देखिए वन और वन, इसका मतलब ये वाली बात कितनी हो गई हमारे पास? वन के बराबर। ठीक, BC की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? जीरो, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? जीरो। तो साइन जीरो डिग्री, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो जीरो अपॉन वन विच इज जीरो। एक चीज यहां पर और बताता चलूं, जीरो अपॉन वन तो जीरो आता है, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो जीरो अपॉन वन का रिजल्ट जीरो आएगा, क्योंकि वन ने इसको कितने टाइम्स काटा, डिवीजन ऐसे ही तो किया जाता है। वन की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, तो वन को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है, इसका मतलब इसका आंसर जीरो है। लेकिन अगर वन को जीरो से डिवाइड किया गया तो इसका रिजल्ट क्या आता है? अगर किसी बच्चे को याद है तो कमेंट करके यहीं पर बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। या फिर इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। समझिए रीजन क्या है कि जीरो के टेबल में वन कितने बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर जितनी भी बार मल्टीप्लाई करिए, जीरो को एक बार करा जीरो, जीरो को दस बार करा जीरो, जीरो को सौ से मल्टीप्लाई करा जीरो, जीरो को एक हजार से मल्टीप्लाई करा जीरो, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना उसका रिजल्ट जीरो ही आना, उसका रिजल्ट वन कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब जीरो को हम नॉट डिफाइंड कह सकते हैं कि एक को जीरो से डिवाइड करना, इसका मतलब कभी भी कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको वन ला सके। तो जीरो नॉट डिफाइंड टाइम्स मल्टीप्लाई करिए वन आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक, तो साइन जीरो की वैल्यू आपको समझ में आ गई, जीरो अपॉन वन जीरो हो गया। कॉस जीरो, आप कहेंगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिगर यही याद रखना है, समझाने के लिए इसमें बताता हूँ। जीरो डिग्री पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास कितना हो गया? वन अपॉन वन विच इज वन। कॉस जीरो पर देखिए आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? वन। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कॉस ए जीरो डिग्री पर वन। आगे देखते हैं टेन जीरो डिग्री, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू खुद ही जीरो है, बेस की वैल्यू वन, जीरो अपॉन वन अभी देखा था हमने कितने आता है जीरो। तो यहां पर टेन जीरो डिग्री या टेन ए जीरो डिग्री पर जीरो वैल्यू देता है। आगे हम लोग देखते हैं कोसेक जीरो डिग्री, कोसेक जीरो डिग्री पे आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, जीरो डिग्री की वैसे हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस वन है, परपेंडिकुलर मतलब जीरो है, इसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड। ये अगली बात याद रखनी है, यहां पर मैंने लिख रखी है। तो कोसेक जीरो डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, कोसेक ए जीरो डिग्री पर नॉट डिफाइंड। आई होप समझ में आ रहा होगा, मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। सेट जीरो डिग्री, सेट जीरो डिग्री के लिए आप कहेंगे सर वन अपॉन कॉस जीरो डिग्री और या फिर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस वन बेस वन, वन अपॉन वन विच इज वन। सेट जीरो डिग्री की वैल्यू सेट ए जीरो डिग्री पर वन के बराबर आता है।
लास्ट हमारे पास आ जाएगा कॉट 0 डिग्री, 1 अपॉन टेन 0 डिग्री या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस 1 परपेंडिकुलर 0, 1 अपॉन 0 फिर से आएगा लिखा 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, कॉट 0 डिग्री, कॉट ए 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड। एक बार अगर आपने इस प्रोसेस के थ्रू ये सारी बातें बना ली आप कभी भूलने वाले नहीं। अब हम लोग 90 डिग्री के केस को देखते हैं, 0 डिग्री की बात हो गई। 90 डिग्री का केस समझने के लिए फिर से एक बार हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल था, इसमें एंगल बी 90 डिग्री। अब एंगल ए को हमको कितना बनाना है, 90 डिग्री। ये बात ठीक पिछले ही वाले फिगर की तरीके से है, बस आपको समझना है, फिर मैं दोनों को रिलेट करके आपको और क्लियर करवाता हूं। अगर एंगल ए 90 डिग्री बनाना है, जो कि हमने एंगल ए यहां मान रखा है, अगर ए वाले को हम जो कंसीडर कर रहे हैं 90 डिग्री बनाना है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे, फिर से जैसे मैंने पीछे बताया वैसे ही मेजर करेंगे। तो 90 डिग्री जाने के लिए ये बात एकदम स्ट्रेट बनेगी ये एंगल, फिर ये बात जुड़ेगी कैसे, इसका मतलब 90 डिग्री में ये एकदम इसके बराबर आ जाएगा। कितना बराबर आएगा, इतना बराबर आएगा कि एंगल हमारा ये वाली लाइन अगर यहां पर बी सी था, एंगल ए भी खिसकते खिसकते इसी के बराबर आ जाएगा और 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों एंगल हमारे हो जाएंगे, हमें यहीं पर ए भी आ जाएगा। आई होप बात समझ पा रहे होंगे आप। इसमें धीरे धीरे एंगल हमारा बढ़ता चला जाएगा, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का 70, 80, 90। अब ये जब बढ़ेगा तो ये वाली चीज ए खिसककर बी के बराबर चला जाएगा, तभी तो ए और बी दोनों 90 डिग्री के बन पा रहे हैं। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से हमारे पास ए सी और बी सी ये दोनों तो बराबर हो गए। मैं यहां पर लिख देता हूं ए सी हो गया बी सी के बराबर, ठीक। ए बी कहां गया, ए बी की लेंथ हो गई 0, क्योंकि ए बी इसमें एकदम खत्म हो गया, ए बी 0, ए सी बी सी बराबर है, तो किसके बराबर हो गए, मान लीजिए कि 1 के बराबर है। इसका मतलब दोनों की ही यूनिट कितनी हो जाएगी, इक्वल रेशियो में बातें हैं याद रखना है। इसका मतलब जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो हमारी ए सी और बी सी या फिर सीधी बात करी जाए तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, चाहे जितने भी उसके हों इक्वल रहेंगे, बेस उस केस में एकदम खत्म हो जाता है, ए बी एकदम 0 हो जाता है। अब अगर ए की फिगर बनता तो बात कैसे होती, एक ही फिगर में बनाकर आपको बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पिछला केस जहां हमने 0 डिग्री माना था वहां पर ए अगर 0 डिग्री हो जाता तो आप खुद समझ गए होंगे कि जब ये 90 डिग्री है सर एंगल बी, एंगल ए 0 है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगानी है, इसका मतलब एंगल सी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये दो अलग अलग फिगर नहीं है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री में आपने समझाया उसी तरीके से समझिए कि एक 0 अगला 90 डिग्री, या तो वो 0 होता तो ये 90 डिग्री होता, ठीक है, फिगर एक ही है, बात मैंने सेपरेट करके दोनों में समझा दी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख डालते हैं सारे, साइन 90 डिग्री, एंगल ए के हिसाब से फिगर यही समझना है, ये फिगर गलत है लेकिन मैं इसमें आपको साइड समझा देता हूं। एंगल ए को कंसीडर करा, इसके सामने परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस यानी कि साइड एडजेसेंट टू कंसीडर्ड एंगल, और 90 के अपोजिट आ जाते हैं हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहती है। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बराबर होकर के एक हो गए, बेस यहां पर एकदम खत्म हो गया। 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दोनों ही 1 है तो 1 अपॉन 1 व्हिच इज 1, साइन 90 डिग्री पर 1 होता है, साइन 1 90 डिग्री पर 1 के बराबर, क्लियर। कॉस 90 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इसमें एकदम खत्म है, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूस 1, 0 अपॉन 1 अभी हमने लिखा था कि 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस ए 90 डिग्री पर 0। नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, टेन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू यहाँ एकदम खत्म है 0, 1 अपॉन 0 अभी हमने देखा था 1 अपॉन 0 कितना आ जाता था, नॉट डिफाइंड।
tan 90 डिग्री पर tan a 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, इजी है। cosec 90 डिग्री, आई होप अब तो आप लोग बना भी ले जा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। cosec 90 डिग्री हो जाएगा हमारा hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse बराबर है perpendicular के, same है 1 upon 1 which is 1, cosec 90 डिग्री पर cosec a 90 डिग्री पर 1 के बराबर 1। अगला हमारा sec 90 डिग्री, hypotenuse upon base, hypotenuse 1, base की वैल्यू 0 है तो 1 upon 0, अभी हमने देखा था 1 upon 0 फिर से नॉट डिफाइंड। sec 90 डिग्री पर sec a 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड। लास्ट हमारा आ जाएगा cot 90 डिग्री पर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस एकदम खत्म, परपेंडिकुलर 1 तो 0 अपॉन 1 व्हिच इज 0, 0 अपॉन 1 0 के बराबर, cot 90 डिग्री वैल्यू 0, cot a 90 डिग्री पर 0। अब यहां पर आपको देखिए मैंने पूरी टेबल आपको निकालने सिखा दी है, इसमें एक सिंगल चीज आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, एक बार इस तरीके से पूरी सारी बातें जैसे मैंने करवाई हैं 45 डिग्री की, 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 0 डिग्री की और 90 डिग्री की डिराइव करके देख लीजिए, कोई समस्या आती है तुरंत कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को दूर करूं, लेकिन एक बार अगर आपने ऐसे पढ़ लिया है तो आपको कोई भी वैल्यू पहली बार तो भूलेंगे नहीं और दूसरी बार बेवजह रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये टेबल में ही है, एक बार आपने निकालना सीख लिया तो इनकी रिलेवेंस उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी इस टेबल में होती है। पहली बात क्या आपको देखनी है कि साइन ए और कॉस ए को सिर्फ और सिर्फ आप कंसीडर करेंगे, तो साइन और कॉस देखने के बाद आपको क्या मिलता है, इसमें आपको एक चीज मिलती है कि ठीक साइन की देखिए 0 डिग्री पर जो वैल्यू है वो कॉस की 90 डिग्री पर वैल्यू, साइन की जो 30 डिग्री पर वैल्यू है वो कॉस की 60 डिग्री पर वैल्यू है, 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर है। ये बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, या कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री बराबर है, या साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए कितने डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री बराबर होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कॉस 0 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब अगर आप ध्यान दें तो ये बात एकदम ऐसे चल रही है बड़ी ही आसानी से। क्या और में भी होती है चीजें? बिल्कुल और में भी होती है। आगे आप देखेंगे तो ये कॉसेक और सेक में भी लागू होता है। कैसे? कॉसेक जो 0 डिग्री पर है वो सेक 90 डिग्री पर वैल्यू है, कॉसेक की 30 डिग्री की वैल्यू सेक के 60 डिग्री के बराबर है, 45 डिग्री पर दोनों बराबर है, इसमें भी एमसीक्यू बनता है इस कॉसेक और सेक किस पर बराबर होंगे, तो 45 डिग्री पर। कॉसेक के 60 डिग्री की वैल्यू सेक के 30 डिग्री के बराबर है, कॉसेक के 90 डिग्री की वैल्यू सेक के 0 डिग्री के बराबर है। और पे भी लागू होगी, बिल्कुल एक ही पेयर हमारा बचा हुआ है टेन और कॉट का। टेन और कॉट में आप देख लीजिए, टेन की जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो कॉट में 90 डिग्री पर वैल्यू है, टेन की जो 30 डिग्री पर वैल्यू है वो कॉट में 60 डिग्री पर वैल्यू है, 45 डिग्री पर टेन और कॉट बराबर है, अगेन एमसीक्यू का पॉइंट है, टेन 60 डिग्री पर जो वैल्यू है वही कॉट की 30 डिग्री पर वैल्यू है, और टेन की जो 90 डिग्री पर वैल्यू है वही कॉट की 0 डिग्री पर वैल्यू है। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली बात, जो हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, क्या? साइन 0 से 90 डिग्री की तरफ आप जब भी जाएंगे तो बढ़ता हुआ रहता है, कितना? लेकिन 0 से 1 के बीच ही रहेगा। आप इनको और खोल कर देखेंगे तो ये 0.5 के करीब बात आएगी, और ये और थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप देख लेंगे। तो साइन जो होता है वो हमेशा 0 से 90 डिग्री की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और कॉस की वैल्यू 0 से 90 डिग्री की तरफ जाने पर घटती है। देखिए 1 से घटते घटते कितनी हो गई? 0 हो गई। और एक बात ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखना है कि साइन और कॉस दोनों ही कभी भी 1 से बड़े नहीं हो सकते और 0 से छोटे नहीं हो सकते, इनकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक में ही वैरी करती है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, इस क्लास को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि यहाँ मैथ्स जो है पढ़ाई जा रही है, इसको भी जा करके देखें।
इस वीडियो को अगर आपने जो देखा है वो आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल अपडेट किए जाते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे अपना अनुभव कमेंट जरूर करिएगा। कोई परेशानी कोई समस्या आ रही है तो लिखिए, मैं उस समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।